Hello everyone, welcome back to my channel Foodie Baniya Dubai Wala. We are back with amazingly new recipe for you, जो कि बहुत ही बढ़िया starter snacks है. I call it a momosa because ये momos और samosa का mix combination है. और इस video में मैं आपको दो recipes दिखाऊंगा, एक dry snack की और एक semi gravy snack की. तो फटाफट से recipe शुरू करते हैं, मिलते हैं music की उस तरफ. बट उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जो नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए. सो मोमोसा बनाने के लिए मैंने फिलिंग बनाई है सोया ग्रैनुल्स की. इसकी रेसिपी मैंने सेम पहले शेयर करी थी जब मैंने तंदूरी मोमोज बनाए थे और जब मैंने इसका सैंडविच बनाया था, उसका लिंक आपके पास ऊपर आ रहा होगा. वैसे इसमें उबले हुए सोया ग्रैनुल्स हैं, प्याज है चॉप्ड, कैप्सिकम है, हरी मिर्च है, थोड़ा क्रीम चीज़ है, नहीं तो आप मलाई डाल सकते हैं. उसके अलावा सॉल्ट एंड पेपर एज़ पर टेस्ट. हमें चाहिए कुछ स्लाइस ब्रेड के. लास्ट में थोड़ी ग्रेवी बनाएंगे हम उसमें. उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिक्स्ड बेल पेपर्स. आप चाहें तो सिर्फ हरी वाली शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मिक्स करना है थोड़ा फैंसी कलर देना दे सकते हैं इसके साथ यूज़ करके. साथ में थोड़ी सी शेजवान चटनी और एक टीस्पून कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाने के लिए, ग्रेवी को कंसिस्टेंसी देने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमने ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, इसके हम लोग सबसे पहले कॉर्नर्स हटा देंगे. अगर कॉर्नर्स नहीं हटाएंगे तो जब उसको फोल्ड करेंगे, शेप देंगे समोसे की, तो वो चिपकेंगे नहीं, मोटे होते हैं. तो ये देखिए, ये भी शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्विक स्नैक बना रहे हैं ना, तो कोई मैदे का आटा नहीं बेलेंगे हम लोग समोसे बनाने के लिए. अच्छा, ये वेस्ट करने के लिए नहीं, इसको सुखा के आप लोग ब्रेड क्रम बना सकते हैं. तो ये मत बोलिएगा कि मैं वीडियो में वेस्टेज करके दिखा रहा हूँ. तो ये हमने सबके कॉर्नर्स काट लिए. सो अब हमने कॉर्नर्स कट कर लिए, अब इसको हम लोग एक एक करके बेलेंगे ताकि इसकी शीट पतली सी एक बन जाएगी, जैसे मैदा की बेल के बनाते हैं ना वैसे. ये देखिए, पतली सी इसकी हमने एक शीट बना ली है. सिमिलरली हम लोग बाकी का भी कर लेंगे. तो ये हमारी चारों शीट्स रेडी हो गई हैं. अब इसमें हम लोग थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि इसको फोल्ड आराम से हो सके. ये तो अब हमने को इसको हाफ में करना है, इसे ट्राइंगल्स में कट, बिकॉज हम लोग स्नैक्स बना रहे हैं, थोड़ा सा साइज़ छोटा रखेंगे उसका. आप चाहें तो पूरे का भी बना सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा. ये ट्रायंगल्स काटने के बाद इनको एक साथ आप स्टैक कर लीजिए, क्योंकि इसके दूसरे कॉर्नर्स भी हमें काटने हैं अभी. तो हल्के से हम लोग इसकी ये एज ट्रिम करेंगे, हल्का सा इधर से और हल्का सा इस तरह से, बस वो बाइंडिंग सही रखने के लिए हम लोग करते हैं. अब हमारी शीट्स फिलिंग करने के लिए रेडी हैं. तो अब हमें जो फिलिंग करनी है उसके लिए मैंने बड़ी एज पर थोड़ा सा पानी लगाया, उसको यूं फोल्ड करा, एक के ऊपर एक लेयर ला करके. जस्ट मेक श्योर कि आप इसको इस एज से दबाएं और फिर उंगली से अंदर करके इसका बेस अच्छे से प्रेस कर दें. ये सील होना चाहिए, नहीं तो इसको जब हम लोग आगे सेकेंगे या तलेंगे उसमें ये बर्स्ट हो जाएगा. तो ये अच्छे से सील होना चाहिए और ये हमारी बढ़िया सी इसकी कैविटी बन गई है. इसमें आप मिक्स डाल दीजिए, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा जगह छोड़िए उसमें. फिर से इसकी रिम पर पानी लगाइए और इसको पहले सेंटर से प्रेस करेंगे, फिर साइड से भी प्रेस करके इसको समोसे की शेप दे देंगे.
सिमिलरली हम लोग बाकी भी कर लेते हैं। सो ये हमारे मोमोसा स्टफ होके रेडी हो गए हैं। देखिए एकदम बाइट साइज आइडियल रखा हमने, क्योंकि हमने छोटा कटिंग करी थी इसकी, तो एकदम बाइट साइज में है ये सब। अब इसको हम लोग या तो शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। हम इसको हल्का सा शैलो फ्राई टाइप का ही करेंगे। तो एक पैन हीट अप होने मैंने रखा, इसमें डालेंगे हम लोग रिफाइंड ऑयल, इसको हम लोग गर्म होने देंगे। सो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम लोग ये मोमोसा रख देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। इसमें ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगी, बहुत जल्दी सिक जाते हैं, क्योंकि ब्रेड है हमारा जो सोया की फिलिंग है वो भी बॉइल्ड है, तो बहुत देर सेकने की ज़रूरत इसको नहीं है। मोमोसा बन के रेडी हैं, देखिए आधा स्नैक तो यही रेडी हो गया। वो कैसे दिखाते हैं वीडियो में, ऐसे ही दिखाते हैं ना, कितने क्रिस्पी बनी है देखिए। तो एक पार्ट हमारा स्नैक का हो गया है यहाँ पे रेडी, तो इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, आधे बाकी प्रिपरेशन करते हैं, प्लेटिंग एक साथ करेंगे दोनों की। तो वेजिटेबल्स चॉप कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ चाहिए हमें, क्योंकि ग्रेवी में हल्का सा डालना है बस। तीनों को हम लोग चॉपिंग फाइन करके रख लेंगे। इसके बाद हम लोग हरी मिर्च काट लेंगे। हरी मिर्च हम लोग डायगनल काटेंगे, जैसे चाइनीज स्टाइल में काटी जाती है। गार्लिक को भी हम लोग फाइन चॉप कर लेंगे, जितना हो सके चाकू से फाइन चॉप कीजिए, चॉपर यूज़ मत कीजिएगा। साथ ही में आधी प्याज को भी हम लोग फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये सब्जियाँ हमारी चॉप हो गई हैं। ये हमने कॉर्न स्टार्च लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम लोग इसकी स्लरी बना लेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग अपना पैन वापस ले आते हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो जब हीट अप हो जाएगा इसमें हम लोग डालेंगे चिली और गार्लिक, इसको हल्का सा, जब तक फ्लेवर वो खुशबू ना आए ना गार्लिक की, तब तक बस कुक करना है, ब्राउन नहीं करना है, बर्न गार्लिक नहीं बना रहे हम लोग। उसके बाद इसमें जाएगी प्याज और मिक्स्ड बेल पेपर्स, या अगर सिर्फ शिमला मिर्च यूज़ कर रहे हैं आप तो वो भी ठीक है। लगभग आधा एक मिनट पकाने के बाद इसमें डालिए आप शेजवान चटनी एक चम्मच, उसके बाद कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए और उसको कंसिस्टेंसी ठीक होने तक कुक कीजिए। हीट इसकी कम कर दीजिए और इसमें इस टाइम पर जो हमारे मोमोसा थे वो ऐड कर दीजिए। स्कोर देम नाइसली, लेट देम कुक फॉर अ मिनट और सो एंड दे आर रेडी टू सर्व। सो ये हमारे टू वे मोमोसा रेडी हैं। ये ड्राई वर्जन, जिसको आप शेजवान चटनी के साथ, केचप के साथ या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। दूसरा ये ग्रेवी वर्जन, जो कि इटसेल्फ में इतना ब्यूटीफुल है, बट हाँ गरम गरम बना के सर्व कीजिए, ब्रेड है सॉगी हो सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।